हे गाइस, आज है सेकंड डे। बेसिकली पिछले दिन रात को मुझे इतना ज्यादा क्रेविंग हुआ था ना, मुझे रात को फिर खाना ऑर्डर करना पड़ा। Hold me close till I get up. मॉर्निंग क्रिएशन, कैसे आप लोग, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी वीकडेज चल रहा है, बेसिकली मेरा लंच टाइम है। लंच टाइम का कोडिंग दिया कि नहीं, एक सेकंड को देख लेती हूँ। तो ऐसे कर लेते हैं ना, हाँ सही रहेगा यार, चलो ऐसे कर लेती हूँ। हाथ भी दर्द करता है पता है। मैं ऐसे, मेरा सेटअप देख लो आप, ऐसे मैं एक तकिया ले लेती हूँ, उसके ऊपर ऐसा लैपटॉप को रखती हूँ, फिर मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अभी मैं कर रही हूँ अपना काम कर रही थी, अभी बस लंच ब्रेक का दिया है, लंच ब्रेक दिया अभी, फिर मैं लंच करूँगी और लंच करने के बाद फिर से काम स्टार्ट करूँगी, फिर और एक ब्रेक दूंगी 4 साढ़े 4 बजे एक ब्रेक लगाऊंगी, वो 10 मिनट का ब्रेक लूँगी। 1 घंटे का ब्रेक होता है बेसिकली हम लोग का, तो फिर भी मेरे पास टाइम बच चुका है एक्चुअली, तो शाम के टी ब्रेक ले लूँगी एक बार। और मेरा तो लॉग इन टाइम है, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला ही है, क्या है 10:30 से 7:30 होता है मेरा लॉग इन टाइम, ठीक है। तो सो गाइस, मैंने ना बेसिकली सोचा था कि मैं सुबह से ये व्लॉग कंटिन्यू बोल रही हूँ क्या, मतलब सुबह से मैंने सोचा था अपना व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। बट क्या सीन हो गया ना, सुबह में ऐसे हाथ रखूँ क्योंकि मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, तो इसलिए। और अभी से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, सुबह से टाइम नहीं मिला लॉग इन, तो उसके बाद कुछ मीटिंग वीटिंग भी था, तो इसलिए अब से मतलब कंटिन्यू कर रही हूँ लंच टाइम से। तो सोचा लंच टाइम का ब्रेक लगा दूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ, तो इसलिए। और ऑलरेडी ना मैं नहा के अपना जो लंच है वो मैं ला ही चुकी हूँ, बस एक बनाना बाकी है। मम्मी जाई गई है अभी नीचे एक बनाने के लिए, एक का करी मत समझना। बाय द वे मैं सोच रही हूँ बस रात में एक करी बनाओ, बहुत मतलब कोलकाता में लास्ट मैंने कुकिंग किया था, यहाँ का मैंने कुकिंग नहीं किया। नॉर्मल जो होता है ना एक भुजिया, वही बनाया था मम्मी ने, एक दिन बनाया था एक दिन मैंने बनाया था, ऐसा वाला सीन है। मतलब एक भुजिया हम बनाते हैं यहाँ पर, आज सोच रही है एग करी बना लेते हैं ना, वही। और पुदीने की चटनी बनाया था मैंने, तो वही। अगर पुदीने की चटनी का आपको रेसिपी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर रेसिपी बताऊंगी, बहुत टेस्टी वाला बनता है आपको बताया। डोसा भी आप उसके साथ खा सकते हो, क्योंकि मैं आजकल ना जो है डोसा ही खा रही हूँ पुदीने की चटनी के साथ। तो पुदीने की चटनी के साथ आप डोसा खा सकते हो, इडली खा सकते हो, राइस के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, पराठे के साथ खा सकते हो, यार सब कुछ के साथ खा सकते हो, बड़ा सही होता है, ठीक है। तो हो गया आपका ऑमलेट, चलो मम्मी का ऑमलेट हो गया, तब तक आप लोग एक काम करो, आप लोग मेरे ब्रेकफास्ट को सुबह का क्या ब्रेकफास्ट मैंने किया था, एक्चुअली मैंने वो क्लिप लिया था व्हाट्सएप पे देने के लिए, बट फिर व्लॉग में ऐड कर देते हैं ना, ठीक है। आप मेरा देखो सुबह मैंने क्या खाया था, ठीक है। और जो देखो ग्रीन वाला वो है पुदीने का। सो गाइस, देख लिया आपने क्या ब्रेकफास्ट किया है मैंने, ठीक है। जो चटनी देखा वो था पुदीने की चटनी, और मेरे तो यार बड़ा सही लगता है ये वाला चटनी, ठीक है। जब मैं कोलकाता में थी तभी मैं इसको बहुत खा रही थी, मुझे तो सही लगता है यार चटनी, तीखा वीखा ये सब मुझे अच्छा लगता है, तो यही वाला सीन है। तो चलो देखते क्या करते हैं उसके बाद, और तब तक आप लोगों को मैं लंच का खा रही हूँ, और मम्मी ऑलरेडी आ ही गई है ऑमलेट बना के, तो लंच कर लेते हैं यार, और आप लोग देखो मैं लंच में क्या कर रही हूँ। तो गाइज, आप लोग ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग मेरे मेकअप वाले वीडियोस और चाहते हो कि नहीं, ये बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत सारा हॉल आने वाला है, जैसे कि मेरे कृष्ण भगवान का हॉल आने वाला है। बाय द वे मेरे कृष्ण भगवान सुबह नहा रहे थे, उसका भी एक मैंने वीडियो कर लिया, मैं दिखाती हूँ उनके क्यूट सा बाथटब, जो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो मेरे पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें वो लोग नहा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कृष्ण भगवान के लिए, मतलब और भी कुछ मैंने ऑर्डर किया है ना, तो उसका मैं अलग से एक हॉल बनाऊंगी, अपना समर जो ड्रेसेस है उसका एक हॉल बनाऊंगी। समर के लिए मैं न्यू ड्रेस ली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी समर आ चुका है यार, हैदराबाद में गर्मी है, ठीक है। रात में ठंडी होता है, सुबह गर्मी होता है, ऐसा वाला सीन होता है हैदराबाद में। तो सोच रही हूँ वही हॉल वॉल बनाऊंगी, तो वो सब वीडियो भी आप प्यार देना बहुत ज़्यादा, जैसा आप लोग तो मेरे वीडियोज में बहुत प्यार देते हो, ठीक है। सो यही वाला सीन है, तो चलो मैं लंच कर लेती हूँ, बहुत भूख लग गया मुझे। तो था हम लोग का लंच में था भिंडी, ऑमलेट था, दाल था, और यहाँ पर था ये गोभी का सब्जी, बहुत सही था गोभी का सब्जी। सो गाइस, अभी शाम हो रहा है,
अभी बेसिकली बज रहा है 6:30 और मैंने अपना ब्रेक लगा दिया है। और लक्ष्मी आई थी मुझे चाय के लिए बुलाने के लिए, मैंने बोला तू जा 2 मिनट मैम मैं आती हूँ, थोड़ा काम है और सारी चीज़ वगैरह लेके चाय के लिए जाना है ना इसलिए, तो तू जाके बोल चाय बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उन लोगों को हेड काउंट पता नहीं चलेगा क्योंकि शाम के टाइम सब लोग नहीं जाते हैं चाय पीने के लिए, तो इसलिए चलो चाय पीने के चलते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I... भेल पूरी और उसके साथ लाइम सोडा, लाइम सोडा का तो मिक्सचर ही वही जो ग्लास देखते हो ना इसमें दे दिया था, और सोडा का बॉटल दे दिया था, तो खुद मिक्स करके बनाना था यहाँ पर, और स्ट्रॉ भी दे दिया था और टेस्टी था बहुत भेल पूरी। हे गाइस, आज है सेकंड डे बेसिकली फिश वाले नट को मुझे इतना ज़्यादा क्रेविंग हुआ था ना, मुझे रात को फिर खाना ऑर्डर करना पड़ा, तो रात को मैंने खाना ऑर्डर किया था और फिर मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया, सोचा कि आज कर लेते, पूरा दिन मैंने नहीं किया ब्लॉग, तो सोचा अभी थोड़ा कर लेती हूँ यार ब्लॉग। तो बेसिकली अभी मैंने क्या है खाना ऑर्डर, और एक्चुअली मुझे साउथ इंडियन फूड उतना पसंद नहीं है, मतलब मुझे पसंद नहीं है यार, इडली डोसा सांभर इतना कुछ पसंद नहीं है, तो आज फिर से यहाँ पर बनता है राइस, और राइस बड़ा टेस्टी बनता है। ठीक है, तो यहाँ का खाना अगर बोलोगे पीजी का सही बनता है, बुरा बिल्कुल भी नहीं है, बट मेरा क्या है मैं वेज नहीं खाती हूँ, आई एम नॉन वेज, ओके, सो मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे उतना अच्छा नहीं लगेगा ना, बट खाना यहाँ पर अच्छा है, वेज खाना अच्छा है। ठीक है, तो यही वाला सीन है। तो बेसिकली आज यहाँ पर एग राइस बनता है जो बहुत टेस्टी बनता है, और उसके साथ ये क्या बोलते हैं उसको जो मेरी मम्मी खाती है, उनको पूछ के होता था मैं की खा उठा जरा दया राइस से दूधे मत रायता ना रायता देखो रायता का नाम भूल गई, तो रायता बहुत टेस्टी से बनाती है, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, मम्मी बोलते हैं टेस्टी होता है वो तो मैं नहीं खाती, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है पनीर स्विगी से, तो शायद वो अभी आ जाएगा, मैं खा के बताती हूँ कैसे, और तब तक आप लोग देखो क्या खा रही हूँ मैं आज के डिनर में। बेसिकली आज है 3rd day, ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी ब्लॉग को इतना दिन तक मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि मतलब क्या होता है जब ऑफिस होता है ना, तो प्रॉपरली ब्लॉग मतलब मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, ऑब्वियसली नहीं कर सकते उतना टाइम पे, और अभी पता है मेरा अभी नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो गया है, मतलब नाइट शिफ्ट नहीं है इवनिंग शिफ्ट है, 3:30 to 12:30 दिस नॉट नाइट शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट सॉरी ओके। सो बेसिकली जब छुट्टी होती है तब मैं आराम से ब्लॉग कर पाती हूँ, क्योंकि मैं कहीं पर जाती हूँ आप लोगों को ब्लॉग देखने में मज़ा आता है, तो यही वाला सीन है। तो और बेसिकली मुझे बहुत सारा ना हॉल वीडियो शूट करना है, बहुत ही सारा हॉल आने वाला है, वो ज़रूर देखना, और अभी जस्ट मैंने कैमरा ऑन किया ब्लॉग का एंड करने के लिए। तो अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वाला वीडियो आप लोगों को, और हाँ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाओ जाके सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब कर देने का बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आप लोग सबसे पहले नोटिफाइड होते जब मैं वीडियो अपलोड करूँ, और आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।